नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ सिविल इंजीनियर प्रीतिश। दोस्तों 18 फीट बाय 48 फीट घर का नक्शा, 864 स्क्वायर फीट घर का नक्शा, इसमें आज हम देखेंगे इसमें आपका कितना रूम रहेगा, कितना पिलर रहेगा, घर बनाने के लिए दोस्तों कितना कॉस्ट पड़ेगा। दोस्तों छोटा सा नक्शा है और शानदार तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया है। इसमें पूरी तरीके से वेंटिलेशन का डिटेल में भी हम बात करें किस तरीके से वेंटिलेशन रहेगा। आप पहले इसका डायरेक्शन अच्छे से नज़र कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपका जो एंट्रेंस रहेगा ईस्ट की तरफ से रहेगा पूरब मुखी घर का नक्शा। दोस्तों यहाँ पे आप नज़र कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे लेफ्ट साइड में आप लोगों को किचन मिलेगा 8 फीट बाय 8 फीट का। किचन का डायरेक्शन आप अगर नज़र करेंगे साउथ ईस्ट, जो आपका आग्नेय कोण हो रहा है वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को रसोई घर दिया गया है। दोस्तों हमारा जितना भी नक्शा है आप अगर देख लें तो किचन और पूजा हमेशा दोस्तों हमारे नक्शा में वास्तु में रहता है, जो कि वास्तु में रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। और राइट साइड में आप देखेंगे पूजा रूम 4 फीट 6 इंच बाय 8 फीट का आप लोगों को पूजा रूम मिल रहा है। इसका भी दिशा आप नज़र कीजिए नॉर्थ ईस्ट, जो आपका ईशान कोण हो रहा है वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मंदिर दिया गया है। उससे आगे आप अगर जाएंगे हॉल और डाइनिंग मिल रहा है 12 फीट बाय 13 फीट 4 इंच का। और बगल में आप अगर नज़र करेंगे यहाँ पे देखिए एल शेप का स्टेयरकेस दिया गया है। आप इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके दोस्तों ऊपर जाएंगे, जब भी आप सीढ़ी बना रहे हैं अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके आप हमेशा सीढ़ियों की जो निर्माण है वो आप हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके बनाइए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हॉल और डाइनिंग, यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आराम से सेट हो जाएगा, 6 आदमी यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। क्योंकि आपका किचन पास में है तो डाइनिंग टेबल आप अगर पास में लगाएंगे तो घर के जो महिलाएं उनको खाना परोसने में दोस्तों बहुत ही आसानी होगा। और यहाँ पर आप नज़र कीजिए वेंटिलेशन का जो प्रोसेस मैं बोल रहा था, देखिए 2 विंडो यहाँ पर किचन में आप लोगों को मिल जाएगा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। पूजा रूम में 1 विंडो यहाँ पर दिया गया है, आप अगर चाहें नहीं भी रखें तो चलेगा, कोई बात नहीं। हॉल और डाइनिंग की वेंटिलेशन के लिए 1 विंडो यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये जो नक्शा डिज़ाइन किया गया है पूरी तरीके से चारों तरफ से ये खुला है, उसी हिसाब से ये नक्शा को डिज़ाइन किया गया है। आपका नक्शा, आपका प्लॉट किस हिसाब से है, या आपके चारों तरफ पड़ोसी के घर है, या आप बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका आगे जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाएगा। वहाँ से आप अगर जैसे ही आगे जाएंगे, देखिए बेडरूम नंबर 1 9 फीट बाय 12 फीट 11 इंच का वेंटिलेशन के लिए 1 विंडो यहाँ पर दिया गया है 4 फीट बाय 4 फीट। आप इसका जो चौड़ाई रहेगा 4 फीट और इसका जो हाइट रहेगा वो भी दोस्तों 4 फीट रहेगा। उससे आगे जाएंगे देखिए कॉमन टॉयलेट 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का आप लोगों को कॉमन टॉयलेट मिलेगा। उसके बगल में आप नज़र करेंगे अटैच टॉयलेट 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 3 इंच, सेम साइज़ रहेगा अटैच टॉयलेट। दोस्तों यहाँ पे नज़र कीजिए वेंटिलेटर दिया गया है 2 फीट बाय 2 फीट का, और इस टॉयलेट में भी दोस्तों एक वेंटिलेटर दिया गया है 2 फीट बाय 2 फीट का, और इस पैसेज में दोस्तों 3 फीट का पैसेज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे भी दोस्तों एक विंडो दिया गया है ताकि ये जो पैसेज आपको अंधेरा महसूस नहीं होगा, अच्छी तरीके से नेचुरल लाइट आएगा, रोशनी आएगा। उससे आगे जाएंगे बेडरूम नंबर 2 10 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 11 इंच का आप लोगों को बेडरूम नंबर 2 मिलेगा। काफ़ी बड़ा बेडरूम है, यहाँ पे आप अगर चाहें डबल बेड भी दोस्तों लगा सकते हैं। उसके बाद आप इंटीरियर का फर्नीचर जैसे कि आपका वार्डरोब वगैरह हो गया, चेयर टेबल वगैरह हो गया, इसे भी दोस्तों आप आराम से लगा सकते हैं। डबल विंडो दिया गया है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, अच्छे तरीके से वेंटिलेशन होगा और रोशनी भी दोस्तों घर के अंदर आएगा। जितना ही आपका वेंटिलेशन अच्छे तरीके से होगा उतना ही बहुत ही आपके सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि मैं हर नक्शा में आप लोगों को बोलता हूँ। दोस्तों ये रहेगा पूरा टोटल हमारा प्लान, आप अच्छे से नज़र कर लीजिए क्या क्या मिल रहा है। किचन मिल रहा है, पूजा रूम मिल रहा है, हॉल और डाइनिंग यहाँ पे मिल रहा है, और 2 बेडरूम के साथ आप लोगों को एक अटैच टॉयलेट कॉमन टॉयलेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है, और एक पैसेज 3 फीट का आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे अगर पार्टीशन करके एक यूटिलिटी एरिया आप इसको बना सकते हैं, एज ए स्टोर रूम भी दोस्तों आप इसको बना सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इसमें आपका कितना पिलर रहेगा और कहां कहां आप लोगों को यहां पे पिलर मिलेगा। देखिए पिलर का प्लेसमेंट दोस्तों मैं यहां पे कर रहा हूं, आप अच्छे तरीके से थोड़ा नज़र करते जाइए। आपका 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों पिलर का प्लेसमेंट मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कहाँ कहाँ आप लोगों को यहाँ पर पिलर मिलेगा, उसके बाद हम काउंट करेंगे। दोस्तों देखिए अभी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दोस्तों कुल मिला के 14 पिलर आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। 14 पिलर में दोस्तों ये घर बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसका जो एरिया हो रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 864 स्क्वायर फीट इसका एरिया आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आज के डेट में दोस्तों कितना कॉस्ट पड़ेगा वो भी दोस्तों मैं लिख देता हूँ। पहले 864 स्क्वायर फीट आप लोगों को इसमें एरिया मिल रहा है, तो आज के डेट में दोस्तों इसमें घर बनाने के लिए दोस्तों देखिए 10 लाख से 11 लाख रुपए में दोस्तों ये शानदार घर बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आपका मटेरियल कॉस्ट, इसमें आपका लेबर कॉस्ट सब कुछ दोस्तों इंक्लूड है। 10 लाख से 11 लाख रुपए में अप टू फिनिशिंग तक ये घर बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा।
तो दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसका पिलर का जो साइज़ रहेगा 10 इंच बाई 10 इंच रहेगा। आप अगर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाह रहे हैं तो 10 बाई 12 आप अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें दोस्तों देखिए, इसका और डिटेल आप अगर जानना चाहते हैं कि कितना आपका सरिया लगेगा, क्या क्या कौन सा एमएम का सरिया लगेगा, कितना एमएम का आपका डाई का रॉड लगेगा, वो सब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। वो भी दोस्तों एक के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों ये था आज का हमारा नक्शा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप अगर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब दिख रहा होगा रेड कलर में, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऑल पर प्रेस करना है ताकि हमारा जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को तुरंत ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।